जाने क्या ढूंढते रहते हैं, जाने क्या, जाने क्या। वेलकम डियर व्यूअर्स, टुडे माय कंटेंट अबाउट व्हेन्स मोहम्मद रफी साहब इल्स सिक्स। दिस इज अ वेरी सेट सॉन्ग फॉर मोमेंट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। मोहम्मद रफी साहब गिविंग टू इंफॉर्मेशन, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब, लाइक्स हिंदी गीत संगीत। दोस्तों, ये ख्याम साहब की फिल्म 1961 की फिल्म थी, जिसका एक गीत है। उसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी बीमारी की हालत में, बहुत ही उसका हाई टेम्परेचर था, उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गीत गाया था। इसकी हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, इस तरह की हम जानकारी आपको बताते रहते हैं और इस तरह की वीडियो, ताकि हम इंडियन कलाकारों के मतलब आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ नई मालूम दें, ताकि आप तक ये मालूम पहुँचे। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत के लिए तकरीबन 102 बार जो है टेक दी, और 21 बार टेक्स लिए, और इस के अंतरों को, इस गीत के अंतरों को जो है घोल मिलाकर जो है फिर जोड़ा भी गया। ये फिल्म थी दोस्तों, ख्याम साहब की फिल्म अपने ज़माने में, और इसकी जो गीत थे कैफी आज़मी ने लिखे थे, और ये 1961 की फिल्म थी, 1961 की, जिसका नाम शोला एंड शबनम। शोला एंड शबनम फिल्म्स एक नई भी है, लेकिन यहाँ पे ये पुरानी वाली बात कर रहे हैं, जिसमें 1961 की फिल्म थी, जिसमें ख्याम साहब ने कई अटेक दी, और ख्याम साहब को जो इसके अंतरों को बार बार जोड़ना पड़ा, और कई मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन दिस टाइम्स मोहम्मद रफ़ी साहब तो आप जानते हैं कि वो बहुत ही दिल के अच्छे इंसान थे, और बहुत हमदर्द थे, और बहुत रहम दिल थे, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन मोहम्मद रफ़ी साहब। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये बीमारी की हालत में इसलिए गीत गाया कि उसे ये एहसास था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कि अगर मैं गीत ना गाऊँ और टाइम ज़ाया करूँ, तो उनके पैसों का उनका नुकसान हो जाएगा, और वो जो है उनको नुकसान नहीं देना चाहते थे। इसके कई कारण रहे, और इसमें गीत में दिल के आँखों में, दोस्तों ये गीत जाने क्या ढूंढते रहते हैं, जाने क्या ढूंढते रहते हैं। ये दोस्तों धर्मेंद्र जी की एक फिल्म थी, जिसको 21 बार टेक्स लेने पड़े, और धर्मेंद्र जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब और जयंती माला, और इसको जो है मोहम्मद रफ़ी साहब को, क्योंकि इसको बहुत ही उसका टेम्परेचर हाई था, और इसमें जो है ये गीत गाने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन इसको जो ख़याम साहब ने कहा कि इसको बाद में करें, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िद थी, और बीमारी की हालत में ये गीत उन्होंने गाया, और इसको कई टुकड़ों को जो है ख़याम साहब ने जोड़ा, और फिर ने जो उसको कई पापड़ बेलने पड़े, और अब ये गीत, ये दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। 21 बार स्टेक्स लिए, और ये आज की हमने आपको जानकारी दी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अंत तक देखें, और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। This giving to how talent brought to practical Hindi geet singeet. Thank for watching.